नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जैसे कि इस टॉपिक पे दिख ही रहा है कि मैं आपको ब्लॉक का डेमो देने की कोशिश करूँगी और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि वो ब्लॉक दिखता कैसा है। बट आपको क्या करना है, आपको उसको लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है और देखना है कि HSC एल्गोरिदम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियोज़ में, वो एक्चुअली दिखती कैसी है। अगर आप उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे पहले के सेशन में जो हैश के बारे में और ब्लॉक्स के बारे में है और SHA एल्गोरिदम के बारे में है, उसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आज मैं आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं बट प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट फॉर नेक्स्ट 1.5 to 2 मिनट। ओके, तो लेट्स ठीक है। तो ये एक ब्लॉक है, सब दिख रहा है, यहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ है, एक ये स्क्वायर बना हुआ है। इसके अंदर क्या क्या वेराइटीज़ हैं? ब्लॉक है, नाउंस है, डेटा है और हैश वैल्यू है। ब्लॉक नंबर हो गया, नाउंस हो गया यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर इसका, राइट, नंबर यूज्ड ओनली वंस। यहाँ पे हम अपना डेटा देते हैं और उसके कन्वर्जन में हमारा हैश वैल्यू आता है। इट्स प्रीटी सिंपल, राइट। उससे पहले मैंने आपको हैश एक्सप्लेन किया था कि हैश कैसा होता है, वो आप जाइए और चेक करिए प्रैक्टिकल। अभी हम ब्लॉक पे आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, दिस इज माई ब्लॉक, क्या हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? इसका कलर चेंज हो गया, राइट। पहले ग्रीन था, नाउ इट इज कन्वर्टिंग टेंजिबल टू रेड। क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने इसका डेटा टच किया है, राइट। जब मैं इसका डेटा टच कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे एक हैश वैल्यू आ रही है मेरे पास। वो हैश वैल्यू वो सेम नहीं है जो उसके पहले लिखी हुई थी। मुझे इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको माइन करना पड़ेगा। जब मैं इसको माइन कर रही हूँ, माइन करते टाइम क्या होगा, ये मेरे इस डेटा को यूज़ करेगा और उसके कन्वर्जन मुझे एक हैश वैल्यू देगा। ठीक है, इट इज टेकिंग सम टाइम। ओके, तो क्या हुआ, अभी मेरे पास एक नया हैश फंक्शन आ गया। हैश फंक्शन आप देखते हो, इट इज़ हैविंग 4 लीडिंग जीरोस। कभी भी कोई भी माइनर अगर मोर लीडिंग जीरोस के साथ किसी हैश फंक्शन को क्रैक करता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा लीडिंग जीरोज होंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है किसी भी हैश एल्गोरिदम को क्रैक करने की, फॉर एनी माइनर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप जैसे भी कभी भी इसको कुछ भी टच करेंगे, चेंज करेंगे, इसकी क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऐसे हमारा एक छोटा सा ब्लॉक नज़र आता है एक ब्लॉकचेन के अंदर। ये आपको समझ में आ गया, प्लीज़ इसको ध्यान से समझने की दोबारा कोशिश करिएगा कि कैसे कैसे वैल्यू काम करती है। और नाउंस क्या है, अगर आपको कन्फ्यूजन है, नाउंस का बहुत डीप कनेक्शन होता है डेटा और हैश फंक्शन के साथ, और एक हर ब्लॉक का एक यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर होता है, नंबर यूज्ड ओनली वंस, राइट। आप इसे करिए, हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं बात करूंगी ब्लॉकचेन प्रैक्टिकल सेशन के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।